कांग्रेस पार्टी ने पीछे जो सर्वे करवाया था उस सर्वे में गोकुल सेतिया का नाम सबसे ऊपर था। उस सर्वे में ये कहा गया था कि गोकुल सेतिया अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो गोकुल सेतिया चेताऊ उम्मीदवार होंगे। जाट वोटर पे की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट वोटर की बात हो, चाहे ओबीसी वोटर की बात हो, उन सारे समीकरणों को जातिगत समीकरणों की बात, गोकुल सेतिया को कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट माना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उनकी तारीखें तय है और नॉमिनेशन के लिए बहुत से उम्मीदवारों ने अपने नाम दिए हैं। आज बात करेंगे कि कितने उम्मीदवारों ने कांग्रेस की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने जो नाम है वो उम्मीदवारी में दिए हैं, और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने नाम तो नहीं दिए हैं लेकिन उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश मेहरा जी, आइए उनसे बात करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मेहरा साहब, विधानसभा के जो हरियाणा के इलेक्शन है उनकी तो आपको भी क्या, सबको पता है, सारी पब्लिक जानती है कि वो इलेक्शन 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। उसके लिए कांग्रेस की तरफ से लगभग 2556 उम्मीदवारों ने, 90 सीटों के लिए 2556 लोगों ने जो है नामांकन अपने वो नाम दिए हैं, हाईकमान को आवेदन दिया है, और जो हाईकमान है उन्होंने उसमें से 90 जो उम्मीदवार है, जो जिताऊ उम्मीदवार उनको लगेंगे, उनको टिकट देनी है विधायक के लिए। अब समीकरण कुछ और बनते जा रहे हैं, कुछ लोग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो जिताऊ लगते हैं लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं दिया, वो लोकसभा के सांसद भी हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे कौन से लीडर हो सकते हैं कांग्रेस के जिन्होंने आवेदन तो नहीं किया लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे सकती है, क्या ऐसे भी कुछ उम्मीदवार हो सकते हैं? बिल्कुल राजेंद्र जी, अच्छा विषय आपने आज उठाया है, अच्छा क्वेश्चन आपका। निश्चित रूप से दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिन लोगों ने उनका टिकट के लिए आवेदन किया है या ना नहीं किया है, निश्चित रूप से दोनों पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को वो टिकट देगी, ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो उनको लगता है कि जिताऊ उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले उनमें आज जो एक ताजा खबर आई है कि सिरसा से जो गोकुल सेतिया हैं, गोकुल सेतिया ने पहले आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है और वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, लक्ष्मण दास अरोड़ा जी होते थे, वो सिरसा से 5 बार वो MLA रहे हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। तो उनके नाती हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और ये कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, आम पब्लिक में चर्चाएं थी कि गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं, क्योंकि गोकुल सेतिया ने अपनी उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कहीं आवेदन नहीं किया था। लेकिन ये मान के चलो, ये मेरा दावा है कि कांग्रेस पार्टी सिरसा से गोकुल सेतिया को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारेगी। आपके कहने का मतलब कि इस समय पे पार्टी को ज्वाइन करना कहीं ना कहीं ये संकेत हो सकते हैं कि वो उम्मीदवारी के लिए इच्छित हो, इस चीज के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की हो, या पार्टी ने उनको कहा हो कि आप हमें ज्वाइन करें तो आपको टिकट दी जा सकती है, ऐसे ऐसी उम्मीदें हो सकती हैं। ये दोनों तरफ का इंटरेस्ट है, गोकुल सेतिया का भी इंटरेस्ट आया है और कांग्रेस पार्टी का भी इंटरेस्ट आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई जिताऊ उम्मीदवार हर विधानसभा क्षेत्र से उनको मिले। बिल्कुल, हर पार्टी। और ये कांग्रेस पार्टी ने पीछे जो सर्वे करवाया था उस सर्वे में गोकुल सेतिया का नाम सबसे ऊपर था। उस सर्वे में ये कहा गया था कि गोकुल सेतिया अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो गोकुल सेतिया चेताऊ उम्मीदवार होंगे। तो उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने उनको आकर्षित किया, किसी न किसी माध्यम से उनका भी इंटरेस्ट था कि मैं कांग्रेस पार्टी से या किसी दूसरी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ूं,
लेकिन ज्यादा जो लोकसभा के जो चुनाव में जो नतीजे आए थे उन नतीजों के बाद गोकुल सेतिया ने तकरीबन मुझे लगता है एक मन बना लिया था कि हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी है और इसी वजह से उन्होंने आज जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा पीछे जो गोकुल सेतिया ने 2019 में हलोपा के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, यही बोलने वाला था, जो चुनाव लड़ा था उस चुनाव में गोकुल सेतिया दो मात्र 602 वोटों से 602 या 603 वोटों से हलोपा के जो उम्मीदवार थे गोपाल कांडा जो विधायक बने उनसे हारे थे। तो बहुत कम मार्जिन से वो उन्होंने सीट अपनी लूज की थी। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उनको एक ऑफर दिया कि आप कांग्रेस के पास आइए तो हम आपको उम्मीदवार बनाएंगे। और उनका दावा भी उनके पास वोट बैंक भी है। उनके जो नाना थे लक्ष्मण दास वो 5 बार सिरसा से विधायक रहे हैं और जो उनका वोट बैंक था वो आज भी गोकुल सेतिया के साथ खड़ा है। और 30-35 हजार माना जाता है कि 30-35 हजार वोट जो सिरसा से हैं वो गोकुल सेतिया को मिलते हैं। पिछली बार भी मिले थे वो जी, और आगे भी। और दूसरे समीकरणों को देखते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने चाहे जाट वोटर पे की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट वोटर की बात हो, चाहे ओबीसी वोटर की बात हो, उन सारे समीकरणों को जातिगत समीकरणों की बात गोकुल सेतिया को कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट माना है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने गोकुल सेतिया को ज्वाइन करवाया। मेरा सब इसके अलावा गोकुल सेतिया के अलावा ऐसे और कौन कौन से लीडर हो सकते हैं हरियाणा में जिनके ऊपर कांग्रेस जो है वो आवेदन भरने ना भरने के बावजूद भी मतलब दाव खेल सकती है? बिल्कुल, ऐसे और भी कैंडिडेट हैं राजेंद्र जी। जैसे कुमारी शैलजा का दावा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने लेकिन कुमारी शैलजा ने कोई आवेदन नहीं किया किसी भी एक पर्टिकुलर सीट से, किसी उन्होंने आवेदन नहीं किया। इसी प्रकार से रणदीप सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड है, उन्होंने किसी भी सीट से आवेदन नहीं किया। ऐसे बहुत सारे और कैंडिडेट हैं और आएंगे, जिन्होंने आवेदन नहीं किया उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। कांग्रेस पार्टी क्या दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी जिन्होंने उम्मीदवारी के लिए आवेदन नहीं किया उनको टिकट दे सकती है। जैसे हमने गोकुल सेतिया की बात की, पिछले दिनों जींद में जो रैली हुई उसमें भी कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या वो भी टिकट की उम्मीदवारी जो है उसके ऊपर कहीं उम्मीद करते हैं वो लोग? स्वाभाविक रूप से जो अभी अभी जुमा पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टियों में आए हैं वो दावेदारी जताएंगे, जिनमें पंडित राम कुमार गौतम है जो नारनौंद से अपनी उम्मीदवारी जताएंगे और पीछे विधायक भी रहे हैं वो। और इसी प्रकार से बरवाड़ा से जोगीराम सियाग हैं वो भी अपनी उम्मीदवारी जताएंगे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे। अनूप धानक जी हैं जो उकलाना से पीछे सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वो जजपा से विधायक भी थे, निश्चित रूप से वो उम्मीदवारी जताएंगे और टिकट मांगेंगे। कल जैसे देवेंद्र बबली ने जी टोहाना से जो विधायक रहे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और निश्चित रूप से वो उम्मीदवारी जताएंगे और टिकट मांगेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि टोहाना में तो विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा पहले इतना कोई मजबूत कैंडिडेट उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था और एक ही नजर जाती थी सुभाष बराड़ा जी ऑलरेडी वो राज्यसभा मेंबर है तो मुझे लगता है देवेंद्र बबली के चांसेस हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र बबली को सीट चुनाव में उतार सकते। तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों पे दाव खेल सकती हैं जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं भले ही उन्होंने उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है? निश्चित रूप से दोनों पार्टियां, क्या बाकी जो रीजनल पार्टी उनमें तो आवेदन मांगे नहीं गए लेकिन दोनों पार्टियों में कांग्रेस पार्टी में आवेदन मांगे गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने आवेदन नहीं मांगे थे। लेकिन एक मोटा मोटी एक आंकड़ा निकल के आया है कि उनके पास जो लिस्ट तैयार की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 2440 या 43 जो आवेदक हैं उनकी लिस्ट तैयार की है और निश्चित रूप से दोनों पार्टियां जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया तो बिना आवेदन करने वाले जो कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं उनको टिकट दे सकते हैं चुनाव मैदान में। सो दोस्तों दोनों जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों की बात करूंगा, अदरवाइज
हरियाणा में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो चुनाव में बहुत पूरी तैयारी के साथ आई हैं, लेकिन हम बात करते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। दोनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव खेला जाए, उसके लिए भले ही वो उम्मीदवार ऐसे हों जिन्होंने आवेदन किया है या नहीं किया है। सो आने वाले समय में क्या होने वाला है ये बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तब तक एक नई चर्चा के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। धन्यवाद।